वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वी फिनिश्ड अवर 9th लेक्चर एट राइटिंग डाउन द नस्ट इक्वेशन। हमने नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी इलेक्ट्रोड के लिए, इस पे अपना लास्ट लेक्चर फिनिश किया था। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल अगर आपने लिखनी है तो वो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए यू आर गिवन ए डैनियल सेल एंड यू हैव टू राइट डाउन द नस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल। सो देन देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग द नस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल। आइदर यू राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर ईच इलेक्ट्रोड सेपरेटली and then apply the formula E cell is equal to E cathode minus E anode, or you can directly apply Nernst equation by writing the cell reaction. In this case the cell reaction, I am first taking how to write directly the Nernst equation for a cell, then I will be taking the writing Nernst equation by writing the इलेक्ट्रोड नस्ट इक्वेशंस। सेल रिएक्शन क्या होगी इसमें, जिंक सॉलिड इट विल रिएक्ट विद क्यूप्रिक आयंस एक्वस एंड इट विल गिव यू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक एक्वस आयंस। दिस इज द इक्वेशन सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। नाउ इफ वी हैव टू राइट नस्ट इक्वेशन देन ई सेल विल बी गिवन बाय E0 cell minus 0.0591 upon N, in this case N will be 2, into log of concentrations of product, key product. बेसिकली यू हैव टू राइट द कोशेंट ओवर हियर फॉर ए रिएक्शन। जो आपको 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था Q, वो लिखना आपने, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ यू नो दैट कॉपर सॉलिड एंड जिंक सॉलिड दे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट दे हैव ए मोलर कंसंट्रेशन 1, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू 1 फॉर दीज टू वैल्यूज, कंसंट्रेशन वैल्यूज ऑफ कॉपर एंड जिंक सॉलिड। So your cell reaction, that is Nernst equation for the cell, will become E0 cell minus 0.0591 upon N into log of zinc ion concentration divided by copper ion concentration. This is how to write the cell reaction, cell Nernst equation directly. दूसरा तरीका क्या है कि हम दोनों electrodes के लिए अलग अलग Nernst equation लिखें। Let us discuss that method also, but this is a simpler one. अगर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं तो, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड की अगर हम रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, then that reaction will be written as Zn2 plus plus 2 electron to give Zn. इसकी नस्ट इक्वेशन हो जाएगी E is equal to E naught minus 0.0591 डिवाइडेड बाई टू। इस केस में मैं टू वैल्यू पुट कर रहा हूं, वहां मैंने एम लिखा था, लॉग जिंक मेटल की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई जिंक आयन कंसंट्रेशन। ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 ही लेते हैं, और इसकी भी सॉलिड है तो इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन 1 लेंगे। तो हमने कल लिखा था, तो इसकी आपकी नस्ट इक्वेशन हो गई है। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड जो आपका कैथोड है उसकी सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखे तो ये हमारी रिएक्शन हो गई है, और इसकी नस्ट इक्वेशन हो गई दैट इज ई जीरो कॉपर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। अब इस सेल में कॉपर क्या है, कैथोड, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब कॉपर की जो नस्ट इक्वेशन है उसमें से आप जिंक की नस्ट इक्वेशन को घटा देंगे, दैट इज
ई कॉपर माइनस ई जिंक। अब अगर इस वैल्यू को हम इन दोनों वैल्यूज को यहां से पुट कर दें, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन मानू और इक्वेशन नंबर टू मानू और इक्वेशन वन और टू से ये वैल्यू पुट करूं, तो हमारे पास ई सेल क्या आएगा, हमारे पास ई सेल आ जाएगा, ई सेल विल बी इक्वल टू दैट इज ई जीरो जिंक, ई जीरो कॉपर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग ऑफ 1 अपॉन क्यूप्रिक आयन कंसंट्रेशन। ये हमारी कैथोड की नष्ट इक्वेशन हो गई, माइनस एनोड की नष्ट इक्वेशन हो गई ई जीरो जिंक माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक आयन कंसंट्रेशन। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये हो जाएगी हमारी ई जीरो कॉपर माइनस ई जीरो जिंक, यानी इसको इसके साथ मिला दिया, माइनस 0.0591 बाय 2 कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से माइनस ले लिया कॉमन, तो ये हो गया लॉग 1 अपॉन क्यूप्रिक आयन कंसंट्रेशन। ये माइनस माइनस प्लस होगा और जब माइनस कॉमन लेंगे इसमें तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक आयन कंसंट्रेशन। रीअरेंजमेंट के बाद ये बन गई, ये हमारी क्या है, ये हमारी ई जीरो सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम बाई एन, सो दिस अपॉन दिस, तो जिंक कंसंट्रेशन आपकी ऊपर चली जाएगी जब डिवाइड करोगे और कॉपर आयन क्यूप्रिक आयन कंसंट्रेशन नीचे रह जाएगी। सो दिस हैज द फॉर्म आपकी नष्ट इक्वेशन सेल के लिए बन जाएगी। ये जब दो इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए नष्ट इक्वेशन लिख के करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो दोनों ही केस में ये आएगी। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। वैसे तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है पर फिर भी ये किताब में दिया हुआ है तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल एंड फ्री एनर्जी चेंज, ईएमएफ ऑफ सेल एंड फ्री एनर्जी चेंज। वी हैव ऑलरेडी यूज दिस फार्मूला वन और टू टाइम अर्लियर आल्सो इन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम अवर प्रीवियस नॉलेज ऑफ 11th क्लास, हमने 11वीं में यह पढ़ा था कि किसी भी प्रोसेस के दौरान जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी That is always equal to useful work done. Useful work. क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। सो W इलेक्ट्रिकल इन दिस केस डिक्रीज इन फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा G विल बी इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर होगा। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू द चार्ज फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से दैट इन दिस केस इफ यू आर यूजिंग द सेल दैट इट विल बी ईएमएफ ऑफ सेल। अब मान लीजिए सेल की रिएक्शन के अंदर अगर एन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेल की रिएक्शन में, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, n इंटू एफ, क्योंकि मैंने बताया था एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर। तो हमारा इस केस के अंदर जो हमारा q आएगा, q विल बी इक्वल टू nf, और अगर हमारे सेल की emf e है देन वी विल बी पुटिंग द वैल्यू e इन प्लेस ऑफ b, सो यू कैन से दैट डेल्टा g इज इक्वल टू माइनस nf e। ये हमारी रिलेशन है फ्री एनर्जी चेंज एंड द
EMF of the cell. ये रिलेशन है. इस रिलेशन को हमने ऑलरेडी भी यूज किया, लेकिन वहां पे हमने तब ये नहीं बताया था कि ये रिलेशन हमने कैसे यूज किया. तो ये रिलेशन इस तरीके से आता है. इसी रिलेशन से हम बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं. जो नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन है, दैट इज वेरी सिंपल डेरिवेशन, और वो इसी फार्मूले से निकलती है. अगर हमारे पास किसी इलेक्ट्रोड की डेरिवेशन ऑफ नर्स इक्वेशन अगर हमारे पास लेट अस सपोज वी आर हैविंग एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन टू गिव एम सॉलिड, तो हम पहले इस पे अपना जो केमिकल इक्विलिब्रियम का नॉलेज है उसके हिसाब से हम इस रिएक्शन का क्वोशेंट लिखेंगे क्यू. क्यू आपको पता है इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था 11th में. किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन योर डेल्टा जी इट इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू इसके बराबर होती है. वेयर क्यू इज दिस. अभी हम पढ़ के आए हैं डेल्टा जी किसके बराबर होगी. डेल्टा जी बराबर होगी एन एफ ई, वेयर ई इज द ईएमएफ ऑफ सेल एट ए गिवन कंडीशन. डेल्टा जी जीरो बराबर किसके होगी, माइनस एन एफ ई जीरो सेल, मैं यहां पे सेल लिख ही देता हूं, प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू. क्यू की वैल्यू पुट करें तो ये आ गया हमारा एम डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एम आयंस. अब इस रिएक्शन को अगर हम डिवाइड करके माइनस एन एफ से, तो हमारी ई सेल आ जाएगी. ई सेल विल बी इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन वन लेंगे, वन अपॉन एम आयन कंसंट्रेशन. अब अगर हम ये नेचुरल लॉग को हटा दें तो लॉग 10 की वैल्यू पुट करें तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी ई जीरो सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग ऑफ वन अपॉन एम एन प्लस. यही थी आपकी नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड. हमने यही लिखी थी कल. सो दिस इज ए वेरी सिंपल डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स. तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें. बेसिकली ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन इसकी, लेकिन यू कैन डू इट, इट इज नॉट मच डिफिकल्ट. सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. इसी चीज से हम आगे, ये तो हमने नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन की. अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है मैं इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा, वो है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड ईएमएफ. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट और ईएमएफ के बीच में रिलेशन क्या है, यहां तक आपने ऐसे कैसे चलना है. जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो ये जो आपके क्वेश्चन था इट विल बिकम, चलो मैं यहां से आगे कराता हूं आपको. एट इक्विलिब्रियम एम अपॉन एम आयन कंसंट्रेशन ये किसके बराबर होता है, इट बिकम्स इक्वल टू के सी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा ये जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी. और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपका ये जो E सेल है, दिस E सेल इट विल बिकम जीरो एंड E सेल इज जीरो. अब ये दोनों वैल्यूज हम उठा के अगर इस रिलेशन में रख दें, इसको अगर मैं रिलेशन नंबर टू कहूं, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को उठाकर रिलेशन नंबर टू में रखूं अगर, तो
तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ ई जीरो सेल प्लस आर टी एल एन के सी, ये वैल्यू पुट कर दी हमने इस क्वेश्चन के लिए। एन एफ ई जीरो सेल दैट इज इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग के सी, और अगर इस नेचुरल लॉग की वैल्यू को हटाएंगे आप तो इट विल बिकम 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। ये रिलेशन है हमारा। अगर हम ईएमएफ के साथ निकालना चाह रहे हैं तो एनएफ से इसको डिवाइड कर दो, और इसके अलावा अगर हम एक और जो आर्टिकल है नेक्स्ट आर्टिकल रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी चेंज, तो ये हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू योर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा जी के बराबर होती है ये, तो माइनस डेल्टा जी जीरो दैट विल बी इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी। सो आप कह सकते हैं दैट डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो ये फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है, ये आपका ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है। तो जहां पे जिस चीज की रिक्वायर्ड हो, जिस रिलेशन की रिक्वायर्ड हो, यू कैन यूज दैट रिलेशन। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर लेफ्ट विद सर्टेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बैटरीज विच वी हैव टू यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डे टू डे लाइफ, जो हमारे ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज सम कमर्शियली इंपोर्टेंट सेल्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज सम कमर्शियली इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सेल्स हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज सच टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो प्रॉब्लम आती है हमारे पास, एक तो हमारे पास जितने भी जो आपके सेल्स होते हैं, सेल्स विद सॉल्ट ब्रिज, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनके अंदर सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, हैव हाई रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो जब भी ऐसे सेल को हम यूज करते हैं तो इनके अंदर जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत जल्दी होती है, बड़ी जल्दी इसका वोल्टेज ड्रॉप करता है। एक तो इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते, दूसरा नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट। इन सेल्स को हम इधर से उधर आसानी से नहीं कर सकते, और किसी भी सेल को अगर हमने कमर्शियल यूज करना है तो ये दोनों चीजें ही नहीं होनी चाहिए, इसकी लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वोल्टेज शुड नॉट ड्रॉप वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से वोल्टेज ड्रॉप नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली इट शुड बी इजी टू हैंडल, बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक हम इसको कैरी कर सकें, तभी हम उसको एज ए कमर्शियल सेल यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो सेल्स हैं जिनको हम एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे, अगर हम एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, देन इट बिकम्स ए बैटरी। तो बैटरी और सेल, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, जो हमारी बैटरी है वो असेंबली ऑफ सेल्स है जिसमें एक से ज्यादा सेल लगे हुए हैं सीरीज के अंदर, और सेल एक सिंगल सेल है। हमारे पास जितने भी ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सेल्स है, जो इनको हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, तीन कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं इनको। फर्स्ट वन आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स, दूसरे तरह के सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स,
And third type of cells are fuel cells. ये तीन तरह के सेल हैं हमारे पास. प्राइमरी सेल क्या होता है हमारा? प्राइमरी सेल को होता है विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते. मीनिंग देयर बाई इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस सेल कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उसको आप उल्टा नहीं कर सकते. तो एक बार अगर आपके इस सेल के रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर गए, एग्जॉस्ट हो गया सेल आपका, तो आप उसको दोबारा से चार्ज नहीं कर पाएंगे. इस टाइप के सेल का एग्जांपल है आपका ड्राई सेल, जो आप घरों में यूज करते हैं, पेंसिल सेल, ड्राई सेल, ठीक है. वो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से यूज नहीं कर सकते, हम उनको रिचार्ज नहीं कर सकते. दूसरे टाइप के सेल होते हैं विच कैन बी रिचार्ज्ड, जिनको आप रिचार्ज कर सके. मतलब द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रिवर्सिबल. इफ द सेल इज एग्जॉस्टेड वंस, अगर एक बार सेल पूरी तरह से रिएक्ट कर गया, एग्जॉस्ट हो गया, देन इट कैन बी रिचार्ज्ड. वी विल बी डिस्कसिंग दीज सेल्स सेपरेटली. और फ्यूल सेल क्या होता है? इट इज दैट सेल विच कन्वर्ट्स एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कहने का मतलब यह है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की जो हीट एनर्जी है, हीट निकल लेती है, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बोलते हैं, उसको सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बदल दे, ऐसे सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल. ये तीन तरह के सेल्स हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल. हम इनकी कुछ सेल्स की कंस्ट्रक्शन और उनकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग टू प्राइमरी सेल्स. हम दो प्राइमरी सेल डिस्कस करेंगे. एक आपका ड्राई सेल, जो आप बहुत कॉमनली यूज करते हैं, और दूसरा सेल जो यूज करते हैं, हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी योर मर्करी सेल. ये भी आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं घड़ियों में, इसको बटन सेल भी बोलते हैं, और बटन सेल, और इसको रूबेन मैलोरी सेल भी बोलते हैं. तो ये दो हमारे प्राइमरी सेल्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी सून. सो द फर्स्ट डिस्कस ड्राई सेल. I have drawn the diagram of this cell. Let us discuss the construction of this cell. ये सेल कैसे बना हुआ है? This cell contains a zinc container. This is a zinc container in which there is a porous partition, that is porous paper or muslin bag. This is a graphite rod which will be acting as cathode. इस graphite rod और muslin bag के बीच में there is MnO2 plus carbon powder, and in the outer side there is zinc chloride plus ammonium chloride, and there is a metal cap over this. ये जो है हमारा metal cap, that will act as cathode, और जो zinc का है वो that will act as anode. तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. जिंक का कंटेनर है, उसके अंदर ग्रेफाइट की रोड है, विच एक्ट एज ए कैथोड, ठीक है. जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट है. MnO2 प्लस कार्बन, इट इज फिल्ड बिटवीन द पोरस पार्टीशन एंड द ग्रेफाइट कोर. तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है. जब ये सेल काम करता है तो इस सेल पे रिएक्शंस क्या होती है? एट एनोड, जो आपका एनोड है, एनोड इज योर जिंक. At anode, zinc will get oxidized to give Zn2 plus plus 2 electron. ये दो इलेक्ट्रॉन देगा. These two electrons will go to the cathode. At cathode,
व्हाट विल बी द रिएक्शन, जो ये MnO2 पड़ा हुआ है, MnO2, 2MnO2, इट विल गिव यू Mn2O3 प्लस O माइनस आयन, मतलब आपका Mn प्लस 4 से प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो गया। जो आपके अमोनियम आयन्स पड़े हुए हैं दे विल देन कंबाइन विद द ओ माइनस टू, दे विल गिव अमोनिया, टू अमोनिया प्लस एच टू ओ, इन दोनों को जोड़ दें तो ये हमारी कैथोड की नेट रिएक्शन बन जाएगी। मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया कैथोड की रिएक्शन को, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर दैट। तो रिएक्शन हो जाएगी टू एम एन ओ टू प्लस टू अमोनियम आयन प्लस, ये कट गया आपका, इसमें प्लस टू इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा, यहां पे यहां प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स है, सो प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपकी रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गया Mn2O3 प्लस टू अमोनिया प्लस एस टू, ये हमारी रिएक्शन हो गई कैथोड पे। अब ये जो अमोनिया निकली, दिस अमोनिया डज नॉट एस्केप, ऑल्दो एज ए प्रिकॉशन वी लीव ए स्मॉल होल ओवर हियर, यहां पे एक हल्का छेद होता है कि इसके अमोनिया थोड़ी बहुत अनरिएक्टिव रह जाए, अदरवाइज ये अमोनिया क्या करती है, जो ये हमारा जिंक क्लोराइड पड़ा हुआ है इसके अंदर, जिंक क्लोराइड के साथ अमोनिया कंबाइन कर जाती है, और या यूं कह लीजिए इसको सिंपल वे में लिखना चाहें तो जिंक आयन्स जो जिंक क्लोराइड देगा और प्लस टू क्लोराइड आयन ये कंबाइन करेंगे एंड दे विल बी फॉर्मिंग आइदर दिस कॉम्प्लेक्स, अमोनिया आपकी ट्रैप हो जाएगी इसके अंदर। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ये रिएक्शन ऐसे भी लिखी गई है, दोनों में से किसी में कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स होल फोर सीएल, सो योर अमोनिया इन्वॉल्व विल बी एब्जॉर्ब विद इन द सेल ड्यू टू दीज रिएक्शंस, इट विल नॉट बी कमिंग आउट, थोड़ी बहुत अगर बचेगी तो उसके लिए हमने एज ए प्रिकॉशन ऊपर छोटा सा होल छोड़ा होता है। ये जो जिंक का कंटेनर है क्योंकि एनोड की तरह काम कर रहा है, इसलिए जब जैसे जैसे इस सेल को यूज करेंगे हम वैसे वैसे इस कंटेनर के अंदर छेद होने लग जाते हैं, और ये अमोनियम क्लोराइड की जो पेस्ट है दैट कम्स आउट, अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड की पेस्ट बाहर आने लग जाती है, तो इसके बाहर की तरफ सिंपल सेल के अंदर तो एक कार्डबोर्ड का जो है वो आउटर कवर लगा देते हैं, और जो लीक प्रूफ सेल बनते हैं जिनको हम लीक प्रूफ ड्राई सेल कहते हैं, उनके अंदर जो है एक मेटल का आउटर कवर लगा देते हैं, जनरली दैट इज ऑफ यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ स्टील, इसको बाहर से कवर कर देते हैं, सो दैट दैट पेस्ट शुड नॉट सॉरी कुड नॉट डैमेज द डिवाइसेस इन विच दीज सेल्स आर बीइंग यूज्ड। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जोड़ दें हम, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को जोड़ दें तो हमारी टोटल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ओवरऑल रिएक्शन हमारी ओवरऑल रिएक्शन विल बी Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2 अमोनियम आयन, इट विल गिव यू Mn2O3 प्लस टू अमोनिया प्लस वाटर, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसमें दोनों रिएक्शंस को मैंने जोड़ दिया। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ये जो नीचे लिखी हुई है दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल, जो मैक्सिमम पोटेंशियल इससे हमें मिलता है दैट इज 1.25 के आसपास इसका टोटल ईएमएफ है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस सेल, कॉमनली यूज सेल है। सो इसकी जो वोल्टेज जो है
1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक रेंज करती है। हर किसी सेल के लिए एक एंड पॉइंट वोल्टेज होता है, मतलब जब ये सेल आपका यूज होगा तो इसकी पोटेंशियल ड्रॉप करती चली जाएगी, और जब ये वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू तक ड्रॉप कर जाती है उसके बाद फिर ये दोबारा से आपका सेल है यूज में नहीं आता, उसको एंड पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं। तो जो आपकी एंड पॉइंट वोल्टेज है इस सेल की, दैट इज 0.8 वोल्ट, वो कितनी है 0.8 वोल्ट। जो दूसरा सेल हमने बताया था वो बताया था बटन सेल और रूबेन मेलोरी सेल, उसमें और ड्राई सेल में थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क डाल देता है दोनों की वर्किंग पे। दैट इज वी आर डिस्कसिंग नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बटन सेल और रॉबिन मेलोरी सेल। इसके अंदर भी आपका जिंक कंटेनर है, एंड दिस जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड। ये जिंक कंटेनर ही एनोड का काम करता है। ग्रेफाइट इन कॉन्टेक्ट विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड, सॉलिड मर्क्यूरिक ऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में, मतलब ये आपका ग्रेफाइट हो गया, इसको मैं अगर येलो वाले को मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड मान लूं तो ये सारा का सारा आपका जो है वो कैथोड का काम करेगा, ये आपका कैथोड का काम करता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज पेस्ट ऑफ KOH, पेस्ट किसकी होती है KOH की पेस्ट होती है, वो आपकी जो है इसका काम करती है, दैट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये रेड कलर में भरी हुई है, ये आपकी ये समझ लीजिए पेस्ट है KOH की, दैट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्क कंस्ट्रक्शन में क्या है, सिर्फ एक तो हमारा कैथोड जो है वहां पे ग्रेफाइट के कॉन्टेक्ट में क्या था MnO2 प्लस कार्बन था, और MnO2 वाज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स ओवर देयर। इस केस के अंदर ग्रेफाइट इन कॉन्टेक्ट विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड दैट विल एक्ट एज ए कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विल बी KOH। अब जब ये सेल हम जनरली लो करंट डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे कि आपकी ये वॉच, इस वॉच के अंदर यही सेल है, ठीक है। हियरिंग एड्स जो लोग यूज करते हैं दे यूज दिस रॉबिन मेलोरी सेल, तो बहुत जगह जहां लो करंट डिवाइसेस होती है वहां पे हम इस सेल का यूज करते हैं। इस सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो हमारा ड्राई सेल था उसको हम जैसे जैसे यूज करते हैं तो उसकी वो जो EMF है वो ड्रॉप करती है धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है। एक ड्राई सेल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वेदर दैट सेल इज बीइंग यूज्ड और नॉट, कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर कोरोजन होता रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो जिंक कंटेनर को कोराइड करता रहता है, तो आपका सेल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके उसके अंदर रिएक्शंस चलती रह रही हैं, तो वो रिएक्शन सेल पड़े पड़े भी डेड हो जाता है। तो जब भी अब आप कभी ड्राई सेल बाजार से खरीदे जाएं तो ये ध्यान रखें कि दैट शुड हैव द लेटेस्ट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जितनी लेटेस्ट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सेल उतना ही ज्यादा काम करेगा, अगर पुराना सेल लोगे तो आप कम काम करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वो समस्या नहीं आती कि कॉन्टिन्यूस ड्रॉप ऑफ नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है EMF ऑफ सेल, जब तक सेल काम करेगा लगातार काम करेगा और फिर एकदम से डेड हो जाएगा। क्यों हो जाता है ऐसा, वो इसके अंदर होने वाली रिएक्शन की वजह से है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो एट एनोड इसकी रिएक्शन सेम है जो ड्राई सेल में थी, जिंक सॉलिड विल गेट ऑक्सीडाइज टू गिव Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एट कैथोड योर मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव यू मर्क्यूरी लिक्विड प्लस 2OH-। इसमें आपका जो जिंक है दैट विल बी कंबाइनिंग विद 2OH-, तो यहां पे आपका जिंक ऑक्साइड
अगर सही रिएक्शन लिखे तो जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। मैं इसको दो स्टेप में लिखता लेकिन फिर मैं क्योंकि दूसरा स्टेप लिखना भूल गया इसलिए मैंने यहीं पे इसको चेंज कर दिया है। Zn plus 2 OH minus, तो ZnO plus 2 इलेक्ट्रॉन plus H2O। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें इनको जोड़े हम तो हमारे ये कट गए ठीक है OH से OH कट गए। तो Zn सॉलिड प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड टू गिव यू ZnO प्लस मर्क्यूरी लिक्विड। अब आप इस ओवरऑल रिएक्शन को देखें, ओवरऑल रिएक्शन तो इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपका कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं हो रहा है, OH- आयंस यूज नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम नस्ट इक्वेशन के हिसाब से देखें तो इस सेल की ईएमएफ ड्रॉप नहीं करेगी, इट विल गिव यू अ कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट सप्लाई। और जब इसके इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, जब ये खत्म हो जाएगा योर सेल विल बिकम डेड। तो सेल आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये लगातार आपको एक कांस्टेंट सप्लाई देगा। इन सेल्स का एक डिसएडवांटेज तो है ही, इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। एक दो बार कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन कहा कि ड्राई सेल को हम उठा के धूप में रखते तो कुछ देर चल जाता है कुछ देर तक। उसका कारण ये है कि जब उसको धूप में रखते हैं, एक तो जो ड्राई सेल के अंदर वाटर प्रोड्यूस हो रहा था रिएक्शन में, वो थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाता है, तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है कि आपके टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेल के अंदर थोड़ी सी रिएक्शन जो है वो आपके वाटर की इवेपोरेशन की वजह से कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो जाती है। सो मोमेंटली दैट कैन वर्क बट दैट इज नॉट कॉल्ड चार्जिंग, वो चार्जिंग नहीं है, मोमेंटली काम कर देगा वो थोड़ी सी देर के लिए, बट इट विल नॉट वर्क। जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो चार्ज करने के बाद फिर उतना ही काम करते हैं जितना पहले किया था उन्होंने। तो ये इन दोनों के बीच में फर्क है, और ड्राई सेल का डिसएडवांटेज मैंने बताई दिया आपको। सो दीज टू प्राइमरी सेल्स वी हैव डिस्कस्ड, टुमारो वी विल बी टेकिंग अप द सेकेंडरी सेल एंड द फ्यूल सेल एंड द लास्ट टॉपिक इफ पॉसिबल कोरोजन। So thank you very much. Hello everyone. If you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also, don't forget to like and subscribe. Thank you. Happy learning.